अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा हम लोग कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 3 पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो है इसका चैप्टर नंबर 7 कवर कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 8 जो है वो है इंजॉय विद टक्स पेन, ठीक है? वो टक्स पेन के बारे में है कि हम टक्स पेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और पेंटिंग तो होती बेटा इंजॉय के लिए, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो शौक से करते हैं और वैसे जो है वो हम उसे यूज़ करते हुए हम बहुत इंजॉय भी करते हैं, ठीक है? तो ये चैप्टर हमने टक्स पेंट के बारे में पढ़ना है और इसमें हम इसके हम इससे रिलेटेड टक्स पेंट से रिलेटेड डिफरेंट और इंटरेस्टिंग जो है वो बातें सीखेंगे। तो बेटा ये हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि टक्स पेंट होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ से देखें, टक्स पेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर लाइक पेंट पेंट की तरह मीन फॉर ड्राइंग ड्राइंग के लिए एंड पेंटिंग और पेंटिंग के लिए। सो बेटा टक्स पेंट क्या है? टक्स पेंट जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पेंट की तरह का ही होता है, जैसे पेंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? तो उसी की तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम ड्राइंग और पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेटा देखें, ड्राइंग और पेंटिंग जो है, ये देखें, ये ड्राइंग और ये जो पेंटिंग है बेटा, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ड्राइंग देखें, ड्राइंग फोकस करती है ऑन लाइंस एंड शेप्स। किस पे फोकस करती है? कि लाइंस कैसी हैं, शेप कैसी है। जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं बेटा, हम अक्सर लेड पेंसिल चूज़ करते हैं, तो हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं? कि हमारी जो उसकी ड्राइंग बनी हुई है, उसकी शेप्स बनी हुई है, उसकी लाइंस लगी हुई हैं, वो अच्छी लगें, वो सीधी लगें और जैसी हमें चाहिए वो वैसी हो। तो हम किस पे फोकस कर रहे होते हैं? लाइंस और शेप पे, ठीक है? और जब हम पेंटिंग के बारे में बात करते हैं बेटा, तो पेंटिंग जो होती है वो किस पे फोकस करती है? ऑन कलर एंड फॉर्म, ठीक है? कि कलर उसका कैसा होना चाहिए, उसकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ठीक है? तो बेटा ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं। आगे देखिए, इट हैज़ अ नंबर ऑफ टूल्स, इसकी बहुत सी टूल्स हैं टू हेल्प, हमारी मदद करने के लिए। यू ड्रा एंड कलर, ड्रा करने के लिए और कलर करने के लिए, ठीक है? इसमें डिफरेंट टूल्स जो हैं वो हमें ड्राइंग करने में, ड्रा करने में और कलर करने में हेल्प आउट करती हैं। सो इट आल्सो हैज़ इंटरेस्टिंग साउंड इफेक्ट्स। तो इसने क्या बोला, इसके बेटा इसके दिलचस्प साउंड इफेक्ट्स होते हैं। सो जब हम कोई इसमें साउंड भी मतलब आती है, ठीक है? तो सो कीप द स्पीकर ऑफ योर सिस्टम ऑन। तो उसने क्या बोला, बेटा कीप द स्पीकर ऑफ योर सिस्टम ऑन, अपने सिस्टम के स्पीकर जो हैं वो ऑन रखें। क्यों? क्योंकि उसमें से इंटरेस्टिंग साउंड्स होती हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग साउंड्स आती हैं। नेक्स्ट देखें, स्टार्टिंग टक्स पेंट, क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स टक्स पेंट विंडो। क्या बोला उसने, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करें, उसके बाद क्या करें, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं, टक्स पेंट पे जाएं, टक्स पेंट विंडो पे जाएं। ये देखें, हम फिगर देखते हैं 8.1A to C, ये हम नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है, वहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखें बेटा, फिगर बनी हुई है। तो सबसे पहले उसने कहा सिलेक्टिंग ऑल प्रोग्राम, तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग टक्स पेंट को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, ये देखें, ये ऑल प्रोग्राम, इस पर हमने क्लिक किया तो ये हमें डिफरेंट मेन्यूज जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है? तो ये ऑल प्रोग्राम पे हम आए तो हमें ये वाला शो हो रहा है, उसमें हम किस पे आए हैं बेटा, टक्स पेन पे आए हैं, ठीक है? हम यहाँ पे बेटा, हमने किस पे क्लिक किया था, यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन पे, ठीक है? यहाँ पे हमने बेटा स्टार्ट बटन पे क्लिक किया था, ठीक है? किस पे क्लिक किया था, स्टार्ट बटन पे। और उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ये सारे जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं, जो जो हमारे पास हैं। तो उस हमने ऑल प्रोग्राम लेना है, ऑल प्रोग्राम में आएंगे तो हमें ये शो हो रहे हैं, तो उसमें से हमने टक्स पेंट को यूज़ करना है, तो टक्स पेंट लेंगे। और अब देखें यहाँ पर टक्स पेंट बेटा, ये देखें टक्स पेंट विंडो, तो हम ये टक्स पेंट विंडो भी ले सकते हैं और टक्स पेंट फुल स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, हम पीछे नेक्स्ट स्टेप्स पढ़ते हैं, पिछले पेज पे आए। तो नेक्स्ट बेटा उसने क्या किया, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स टक्स पेंट विंडो के बाद उसने क्या किया है, डबल क्लिक द टक्स पेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। ये टक्स पेंट का आइकन होता है, ऐसा नजर आता है, तो उस पर उसने डबल क्लिक किया है। यहाँ देखें बेटा, यू गेट टू चॉइसिस वाइल ओपनिंग टक्स पेंट। उसने बोला कि आप दो चॉइसिस जो आपके पास होते हैं जब आप टक्स पेंट को ओपन करते हो, कौन कौन सी, यू कैन इधर ओपन इट इन फुल स्क्रीन बाय सेलेक्टिंग टक्स पेंट फुल स्क्रीन। हम टक्स पेंट फुल स्क्रीन को यूज़ करते हुए इसे फुल स्क्रीन पे ओपन कर सकते हैं, देखें ये वरीज, अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें जो है वो टक्स पेंट जो है वो फुल स्क्रीन पे शो होगा। और ओपन इट इन अ न्यू विंडो, या फिर इसे हमें न्यू विंडो में ओपन करें बाय सिलेक्टिंग टक्स पेंट विंडो। तो टक्स पेंट विंडो को हम सिलेक्ट करते हुए क्या करते हैं कि न्यू विंडो में इसे ओपन करते हैं।
आगे देखिए, यूजली इट इज़ बेटर टू ओपन टक्स पेंट इन आ न्यू विंडो। यूजली वो कहता है कि टक्स पेंट को न्यू विंडो में ओपन करना जो है वो बेहतर होता है, बिकॉज समटाइम्स इन फुल स्क्रीन ऑल द ऑप्शंस कांट बी सीन। उसने बोला बाज़ूकात क्या होता है, फुल स्क्रीन, अगर हम फुल स्क्रीन पे ओपन करते हैं तो हमें जो सारे ऑप्शंस हैं वो नज़र नहीं आते, ठीक है, उन्हें हम नहीं, सारे ऑप्शंस को नहीं देख सकते। तो ये बेटा जो है वो टक्स पेंट को फुल स्क्रीन पे ओपन करने का डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि हम जो है वो अपने अगर हम उसे टक्स पेंट फुल स्क्रीन को यूज़ करते हुए हम उसे ओपन करते हैं अपनी कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पर, तो क्या होता है कि हमें सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं वो कभी कभी दिखाई नहीं देते, सीन नहीं कर पाते हमने। तो नेक्स्ट आते हैं बेटा, फर्स्ट वाले देखें, द टाइटल स्क्रीन अपीयर्स 8.2। ये देखें, ये फिगर 8.2 दिखाई गई है, टाइटल स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट। ये टाइटल स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट है, ये अपीयर होगी कि कब होगी, जब हम इन दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा बेटा, ये जो है वो हमें सिलेक्ट होगी, ठीक है, ये हमें शो होगी। तो नेक्स्ट देखें, एज द प्रोग्राम इज लोडेड इन टू मेमरी, जैसे प्रोग्राम मेमरी में लोड होगा, प्रेस एनी की, कोई की प्रेस करें और क्लिक द माउस और टू कंटिन्यू, कोई की प्रेस करें या फिर माउस को क्लिक करें, माउस पे क्लिक करें उसे कंटिन्यू करने के लिए। और आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के बाद द टाइटल स्क्रीन विल गो, टाइटल स्क्रीन जो है वो गो अवे ऑन इट्स ओन, टाइटल स्क्रीन जो है वो खुद बखुद चली जाएगी, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर हम या तो हम क्लिक करेंगे, ठीक है, कोई की प्रेस कर देंगे या फिर माउस से क्लिक कर देंगे उसे कंटिन्यू करने के लिए, अदरवाइज वो 30 सेकेंड्स के बाद जो है वो खुद ही गो अवे हो जाएगी, ठीक है। द मेन स्क्रीन अपीयर्स, फिगर 8.3 में देखें उसके बाद क्या होगा, मेन स्क्रीन जो है वो बेटा अपीयर होगी। फिगर 8.3 में देखें, ये जो है वो मेन स्क्रीन है, ठीक है बेटा, ये मेन स्क्रीन है, ये अपीयर होगी, ठीक है। देखें, इस पर एक साइड पर टूल बार है, इधर वाली साइड पर सेलेक्टर, कलर पेड, हेल्प एरिया एंड ड्राइंग कैमराज, ठीक है। सो ये जो थे, ये हमने स्टेप्स पढ़ लिए उसे ओपन करने के, ठीक है, कैसे हम ओपन करते हैं। तो मेन स्क्रीन पे क्या क्या होता है वो यहाँ पे नीचे बताया गया है, तो वो हम पढ़ते हैं।